पहला क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड इज मेनली फाउंड इन, आपको बताना है इन में से आमतौर पे गोल्ड कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन से आपके पास पन्ना, कटनी, कोलार या खेतरी। अगर आप जानते हैं तो आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारसी यानी कोलार। इन में से कोलार में गोल्ड पाया जाता है। कोलार डिस्ट्रिक्ट रायचूर में आता है और रायचूर कर्नाटका में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट लीडिंग इन मैंगनीज प्रोडक्शन इज, आपको बताना है इन में से किस रियासत में सबसे ज़्यादा मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन से आपके पास उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या एमपी यानी मध्य प्रदेश। कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मैंगनीज की, शबाश जल्दी से आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ, आपको बताना है इंडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली चीज़ कौन सी है इनमें से। ऑप्शन से आपके पास बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज या मीका। जल्दी जल्दी से आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाडी यानी मीका। मीका हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस मीका आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज, आपको बताना है हिंदुस्तान में किस रियासत में सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके पास राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी यानी गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक पैदा किया जाता है। द पोजिशन ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल इज, आपको बताना है दुनिया में हिंदुस्तान की क्या पोजिशन है, कौन सा नंबर है कोल प्रोड्यूस करने में। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी यानी थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान में, यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाली जो रियासत है वो है झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्री कवर मैक्सिमम इन, आपको बताना है इंडिया में सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ पाए जाते हैं इन जगहों में से। ऑप्शन है आपके पास ईस्ट डेक्कन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट। मैक्सिमम ट्री कवर आपको बताना है। शाबाश, कोशिश करें आंसर देने की। सभी कोशिश करें। मैक्सिमम ट्री कवर। चलिए जी, इसका सही आंसर है वो है पार्ट सी, वेस्ट कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, आपको बताना है हिंदुस्तान में सबसे पहली नेशनल पार्क इन में से कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास बांडीपुर, कॉर्बेट, वेलावेडार या पैरी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, ट्राई करें कि कौन सी है हिंदुस्तान की सबसे पहली नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। इसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखें, इसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड ऑफ इंडिया इज, आपको बताना है इनमें से हिंदुस्तान का सबसे अहम कोल्ड फील्ड कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास बोकारो, रानीगंज, जारिया या गिरिडीह। कोशिश करें आंसर देने की, कौन सा है हिंदुस्तान का सबसे अहम कोल्ड फील्ड इनमें से, ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी रानीगंज कोल्ड फील्ड। रानीगंज कोल्ड फील्ड डिस्ट्रिक्ट पंचिम बर्धमान में है और ये वेस्ट बंगाल में है। ये याद रखें, वेस्ट बंगाल में है रानीगंज कोल्ड फील्ड, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचिम बर्धमान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई वॉज स्पॉटेड इन, आपको बताना है बॉम्बे हाई कब ड्रिल किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1973, 1975, 1970 या 1978। बॉम्बे हाई क्या है, ये ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। आपको बताना है कब इसकी ड्रिलिंग स्टार्ट हुई, कोशिश करें आंसर देने की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी 1973 में बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड्स की ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। और इसका जो ड्रिल करने वाला, जिस शिप से इसको ड्रिल किया गया, उसका नाम था सागर सम्राट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, आपको बताना है इनमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है। ऑप्शन है आपके पास कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सेस या मेज। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी पल्सेस। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्सेस यानी दालें निकलती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है राजस्थान दाल प्रोड्यूस करने में। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताऊँ, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन और गार्लिक भी प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जारिया कोल्ड फील्ड इज इन, आपको बताना है जारिया कोल्ड फील्ड्स इंडिया में कहाँ हैं, कौन सी रियासत में हैं। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या पार्डी वेस्ट बंगाल। कहाँ हैं जारिया कोल्ड फील्ड्स? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, जारिया कोल्ड फील्ड्स झारखंड में हैं। विच इज़ द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, इनमें से हरियाणा में सबसे जानी मानी बर्ड सेंचुरी कहाँ है या कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास सुल्तानपुर, भरतपुर, राजा जी या सरिस्का। शबाश, जल्दी से आंसर दें। पॉपुलर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज मोस्ट पॉपुलर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, आपको बताना है पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा दरिया इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। कोशिश करें आंसर देने की। शबाश, टाइप करें अपना अपना आंसर, कौन सा है पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा दरिया। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी गोदावरी।
गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये हिंदुस्तान का दूसरे नंबर पर लंबा दरिया है और सबसे लंबा दरिया इंडिया का गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस इन में से कौन सी है। ऑप्शंस आपके पास हैं महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उड़ा गमंडलम या मौसिनराम। कौन सा है सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी मौसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट मॉनसून रीचेस इन आसाम। आपको बताना है साउथ वेस्ट मॉनसून आसाम में कब पहुंचता है। ऑप्शंस हैं आपके पास एंड ऑफ सितंबर, मिड मार्च, नवंबर और मिड सितंबर। कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, साउथ वेस्ट मॉनसून रीचेस आसाम इन मिड सितंबर। द मिनरल ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन। आपको बताना है मिनरल ऑयल सबसे पहले हिंदुस्तान में किस जगह डिस्कवर किया गया। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। कोशिश करें कब मिनरल ऑयल डिस्कवर किया गया पहली बार हिंदुस्तान में, कहाँ पे किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी डिग बॉय, और ये डिग बॉय जगह है आसाम में। सबसे पहले आसाम में मिनरल ऑयल डिस्कवर किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।